हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय वीडियो सीरीज पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था राइट टू फ्रीडम के बारे में, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। सो शुरू करते हैं मेरे आज की वीडियो। मेरा नाम है अनंत और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल एनसीईआरटी स्टफ। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, आर्टिकल 23 ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग पर बेगार पर, जिसे हम फोर्स लेबर कहते हैं, और इसी तरह के और फोर्स लेबर पर रोक लगाता है। इस प्रोविजन का उल्लंघन करना एक पनिशिएबल ऑफेंस है। ये राइट सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को मिला हुआ है। ये सिर्फ गवर्नमेंट से ही इंडिविजुअल को नहीं बचाता है, बल्कि ये प्राइवेट पर्सन से भी इंडिविजुअल को बचाता है। अब आर्टिकल में ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स लिखा है, वो इंक्लूड करता है सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स, इंसानों की सामान के जैसे खरीद फरोश को इंक्लूड करता है, औरत और बच्चों का इमोरल ट्रैफिक जो प्रोस्टिट्यूट को भी इंक्लूड करता है, देवदासी को इंक्लूड करता है और स्लेवरी को इंक्लूड करता है। इन एक्ट्स को पनिश करने के लिए पार्लियामेंट ने इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 बनाया है। बेगार का मतलब होता है किसी से कोई भी कंपल्सरी वर्क कराना और उसके बदले उसे कोई भी पैसा या रुपया नहीं देना, बंधुआ मजदूरी बोलते हैं जिसे हम। पुराने जमाने में जमींदार लोग किसानों से फोर्सफुली काम कराते थे, पर उन्हें काम करने के बाद कोई पेमेंट नहीं देते थे। आर्टिकल 23 फोर्स लेबर पर पूरी रोक लगाता है, जैसे बाउंडेड लेबर। फोर्स लेबर का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। आर्टिकल 23 में एक एक्सेप्शन भी है, ये स्टेट को परमिशन देता है कि स्टेट कोई भी कंपलसरी सर्विस जो पब्लिक पर्पस के लिए है उसे इम्पोज कर सकता है, जैसे मिलिट्री सर्विस और सोशल सर्विस। इसके लिए स्टेट बाउंडेड नहीं है कि वो पे करे उस सर्विस के लिए जो उसने लोगों से ली है। ऐसी सर्विस थोपने के लिए स्टेट ओनली रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज ETC। आर्टिकल 24 14 साल से छोटे बच्चों को फैक्ट्री, माइंस या अदर हैजार्डस एक्टिविटीज जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क या रेलवे में काम करने से रोकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बच्चों को नॉन हैजार्डस एक्टिविटीज में एम्प्लॉयमेंट करने की परमिशन देता है, चाहे वो कैसा भी काम हो। आर्टिकल 23 हर बच्चे को 14 साल से कम है जो उसे काम करने से रोकता है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड को एस्टेब्लिश करने की डायरेक्शन दी, जिसमें ऑफेंडिंग एम्प्लॉयर को 20,000 तक का फाइन भरना होगा हर बच्चे के लिए जिससे उसने काम करवाया हो। ये बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने की डायरेक्शन भी देता है। द कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 को लाया गया था सो दैट कि ये नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन को प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट और चिल्ड्रंस कोर्ट के लिए इस्टेब्लिश कर सके, सो दैट कि ये कोर्ट्स बच्चों के खिलाफ बढ़ते वायलेंस और ऑफेंसेस पर स्पीडी ट्रायल्स प्रोवाइड कर सके। 2006 में गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक सर्वेंट्स के तौर पर चिल्ड्रंस का एम्प्लॉयमेंट होटल्स, ढाबाज, रेस्टोरेंट, शॉप्स, फैक्ट्रीज, रिजॉर्ट्स, स्पा, टी शॉप्स पर बैन कर दिया। चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट 2016, इसने 1986 के चाइल्ड लेबर एक्ट को अमेंड किया। इसने प्रिंसिपल एक्ट को रीनेम करके चाइल्ड एंड एडोलसेंस लेबर एक्ट 1986 कर दिया। सो इस अमेंडमेंट एक्ट ने 14 ईयर से कम उम्र के बच्चों को सारे ऑक्यूपेशंस में एम्प्लॉयमेंट से प्रोहिबिट कर दिया। इससे पहले ये सिर्फ 18 ऑक्यूपेशन और 65 प्रोसेसेस से रोकता था। इसके बाद इस अमेंडमेंट ने 14 से लेकर 18 ईयर ऑफ एज के चिल्ड्रन की हैजार्डस ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉयमेंट पर रोक लगा दी है, और अगर कोई इस रूल को तोड़ता है तो उसे 6 मंथ से लेकर 2 ईयर तक की जेल हो सकती है, या 20,000 से लेकर 50,000 तक का फाइन पड़ सकता है, या दोनों हो सकती है। और कोई व्यक्ति ऐसा दोबारा करता है तो उसे 1 से लेकर 3 ईयर तक की जेल हो सकती है। अगर मैं अपने कंट्री में चाइल्ड लेबर की बात करूं, तो हमको ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न ये है कि हमारे देश में पॉवर्टी का लेवल जो है अभी काफ़ी ज़्यादा है।
गवर्नमेंट इसके लिए बहुत काम कर रही है और काफ़ी सालों से कर रही है, धीरे धीरे कम भी हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको चाइल्ड लेबर काफ़ी जगह देखने को मिलेगा। अब वो बच्चों की मजबूरी हो जाती है कि वो बेचारे क्या करें, अगर चाइल्ड लेबर नहीं करेंगे तो फिर घर में उनका चूल्हा कैसे जलेगा, वो फिर खाना कैसे खा पाएंगे। सो इसीलिए जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं उनके यहाँ सारे के सारे लोग काम करते हैं, बच्चे से ले करके उनके माता पिता, सो दैट कि सब के सब मिल करके जब काम करेंगे तो रात को इसीलिए उनके यहाँ चूल्हा जल पाएगा और वो दो वक्त की रोटी खा पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हमको पॉवर्टी को कम करना होगा, तो चाइल्ड लेबर खुद ब खुद ही कम हो जाएगा। और अगर हम ये सोचते हैं कि भाई सब बच्चों को लेकर के हम ये कहेंगे कि चलो भाई इनको स्कूल में डाल दो और इनको पढ़ाना लिखाना शुरू कर दो, तो ये भी तभी है ना जब लोग गरीबी से थोड़ा ऊपर उठेंगे तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। अब जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो सीधा जाके बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, ये भी मुमकिन नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट उसके लिए बहुत कुछ कर रही है, जैसे कि मिड डे मील जो स्कूल में मिलता है बच्चों को, उससे भी बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलती है। और गवर्नमेंट स्कूल्स में आप अगर देखोगे तो ड्रेस वगैरह मिलती है और स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है। धीरे धीरे ये चीज़ें कारगर साबित होंगी, लेकिन इसको होने में समय लगेगा। सो मेन रीज़न यही है चाइल्ड लेबर का कि हमारे देश में जो पॉवर्टी है, जैसे जैसे वो कम होगी तो चाइल्ड लेबर अपने आप ही कम हो जाएगा। सो गाइज, हमारी आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप आप लोगों को राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को समझने में हेल्प हुई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए, सो दैट कि और लोगों को भी एम लक्ष्मीकांत बुक को समझने में हेल्प हो सके।